हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र का 3000 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है जिसका हम भाग एक करने वाले हैं। बहुत सारी सीरीज़ हम सुपरवाइज़र के लिए करने वाले हैं। एक थ्योरी क्लास रहेगी, थ्योरी क्लास को हमने एम सीरीज़ नाम दिया है जिसकी मैं 3 वीडियो करा चुकी हूँ। एक 30 क्वेश्चन सीरीज़ रहेगी, 30-30 प्रश्नों का प्रैक्टिस रहेगा। ये पूरा हमारा जो प्रैक्टिस सेट आपको नोट्स के साथ मिलता है उससे ही प्रश्न लेके मैं आपको करवा रही हूँ। जो लोग भी नोट्स नहीं ले पा रहे हैं वो वीडियो के द्वारा तैयारी कीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन पूरे हो पाएंगे एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और आपको एक महीने या सवा महीने ऑलमोस्ट आपको तैयारी के लिए देंगे। तो आप लोगों ने अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगाब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है। फोलेट का जो है अंदर जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता है। ये एक तो होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया के कारण होता है। दूसरा किस चीज़ से संबंधित है तो ये है कि अगर ये जो गर्भावस्था के खराब परिणाम, ये स्थिति अगर फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण नहीं होता है तो क्या हो सकता है, इसका परिणाम क्या हो जाएगा कि गर्भावस्था में दिक्कत आ जाएगी, गर्भावस्था में कॉम्प्लिकेशंस इसके कारण आ सकते हैं। किसके कारण? फोलेट का अगर अपर्याप्त अंतर्ग्रहण ना हो। अगला क्वेश्चन है किशोरों को उनके वयस्क अवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक डेस्क के दौरान प्राप्त होता है। तो ये कब प्राप्त होता है? किशोरों को उनकी वयस्क अवस्था के भार का 30%, जब वो किशोर हो जाते हैं तो उनको वयस्क अवस्था जो है, उनकी जो वयस्क अवस्था उसका कितने प्रतिशत हो जाता है? 30% भार हो जाता है और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक होता है। ये किस उम्र में प्राप्त होता है, किशोरों की किस उम्र में होता है? तो ये होता है 10 से 19 वर्ष। जब 10 से 19 वर्ष की आयु हो जाती है तो वो भार का 30% और लंबाई का 20% से भी अधिक प्राप्त कर लेते हैं। अगला है आयरन न्यूनता के, आयरन मतलब आयरन की कमी अगर हो जाती है तो आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह कौन सी है, मतलब किन में आयरन की कमी सबसे ज़्यादा होती है? नवजात शिशु एवं बच्चे, हाँ इनमें होती है। दूसरा है गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, इसमें भी होती है। गर्भवती महिलाएं, इसमें भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, मतलब इन सभी को ही खून की कमी से जूझना पड़ता है। अगला है जब गर्भावस्था होती है तो उसके दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? एड्स की जाती है, हेपेटाइटिस बी की भी की जाती है, डाउन सिंड्रोम इनकी भी की जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सभी होगा। जो सामान्य गर्भावस्था होती है तो उसके दौरान इन तीनों की ही जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है 1 से 3 वर्ष के आयु के बालकों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी कितनी आवश्यक है? 1 से 3 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको कितनी कैलोरी प्रतिदिन चाहिए रहता है? 2100, 1800, 1690 या 1060? तो 1060 किलो कैलोरी चाहिए होता है। 1 से 3 वर्ष के बालक को 1060 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए ही होता है। और अगर आपको कुछ डेस में दे दें कि 1000 से 2000 तो इसमें आएगा 1000 से 1400 किलो कैलोरी, और एक डिजिट दे दे तो आ जाएगा 1060 किलो कैलोरी। तो आपको याद रखना है, इसे 1 से 3 वर्ष का अगर बालक है तो 1 से 3 वर्ष के बालकों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता है? 1060 किलो कैलोरी की आवश्यकता है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपको जो मेरे जो सुपरवाइज़र का पैकेज है मेरा, उसमें आपको जो टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं उसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता है। ये प्रैक्टिस सेट आपको कितने क्वेश्चन का रहता है, 3000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, उसके साथ आपको ये मिलेगा क्वेश्चन। अगला है गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह डेस का जोखिम बढ़ा देती है, मतलब खराब ढंग से जो उसको मधुमेह को नियंत्रित किया जाए तो वो किसका जोखिम बढ़ा देती है? प्री एक्लेम्सिया मतलब हाई ब्लड प्रेशर प्लस हाथ पांव में सूजन प्लस मूत्र में प्रोटीन, ये सभी आ जाएगा प्री एक्लेम्सिया में। समय से पहले प्रसव, ये भी हो जाएगा, और सीजेरियल जम मतलब ऑपरेशन के द्वारा प्रसव होना, तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगर अनियंत्रित मतलब गलत तरीके से मधुमेह का नियंत्रण किया जाता है तो ये सभी चीज़ें का फेस करना पड़ता है गर्भवती स्त्री को। पहला है
प्री एक्लेम्सिया, दूसरा है समय से पहले प्रसव, तीसरा है सीजेरियल जन्म और उपयुक्त सभी। तो और ये भी याद रखो कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। तो प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, इसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाथ पाँव में सूजन आ जाती है और मूत्र में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है। अगला है स्वस्थ बच्चे का भार डैश की आयु उसके जन्म के समय के भार का दुगना होता है। मतलब स्वस्थ बच्चे का भार किस आयु में उसके जन्म के भार का दुगना हो जाता है। एक स्वस्थ बच्चा है और उसका जो भार है किस आयु में, जो उसका जन्म होता है, जैसे कि जन्म में 1 किलो है तो किस आयु में 2 किलो हो जाएगा, ये जन्म में 4 किलो है तो किस आयु में 8 किलो हो जाएगा, या 2 किलो है तो किस उम्र में 4 किलो हो जाएगा। तो ये है 6 माह। अगर एक स्वस्थ बच्चा है तो वो 6 माह की आयु में अपने जन्म की आयु का दोगुना हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से याद रख लो कि किस उम्र में बच्चे का जो भार है वो जन्म के भार का डबल हो जाता है, किस उम्र में हो जाता है, 6 माह की आयु में हो जाता है। अगला है नाभि रज्जु या गर्भ नाल के संक्रमण में कौन कौन से संकेत आते हैं। तो अगर नाभि रज्जु या गर्भ जो नली होती है गर्भ नली का, उसमें अगर संक्रमण हो जाता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना, आधार या तो लाल या सूजा हुआ दिखता है। रक्त साल होते हुए दिखना, मतलब रक्तीला होते हुए दिखना। पीला या सफ़ेद मवाद निकलना। तो ये सभी गर्भ नाल में अगर संक्रमण हो जाता है तो ये सभी कारण उसमें आ जाते हैं। अगला है अवांछनीय परिणामों के जोखिम के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज क्या है। मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी आयु कौन सी है गर्भवती होने के लिए, जो औसत एवरेज आयु मानी जाती है और उसके बाद अगर गर्भवती होता है, ये प्रथम प्रसव के दौरान है तो फिर उसमें जोखिम हो जाते हैं। तो 20 से 35 वर्ष की आयु जो होती है वो गर्भवती होने के लिए उपयुक्त होती है और गर्भाधान करने के लिए भी उपयुक्त होती है। माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग करने से जो गर्भस्थ शिशु है इन पे कौन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। अगर माता गर्भवती है और वो जो है मादक पदार्थ का यूज़ करती है, कोई भी ड्रग लेती है या ड्रिंक करती है, तो उसको क्या होता है। तो सबसे पहला है समय पूर्व जन्म, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है सिरवा शरीर का आकार सामान्य से कम होना, ये भी सही हो जाएगा। शारीरिक विकृतियां, ये भी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, तो ये सभी कारण सही हो जाएंगे अगर जो माता है वो गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थ का सेवन करती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यही आपको हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और सुपरवाइज़र के नोट्स हैं उसमें टोटल आपको इस प्रकार की 7 बुकलेट मिलेंगी। आप देख सकते हैं ये टोटल 7 बुकलेट मिलेंगी जिसमें एक योजना और संस्था है। इस योजना संस्था में आपका पूरा स्वास्थ्य योजना, महिला बाल विकास योजना, वंचित वर्ग की योजना, रोजगार योजना सब शामिल रहेंगी। साथ में विश्व के, भारत के जितने भी स्वास्थ्य अभिकरण हैं, स्वास्थ्य संस्थाएँ हैं वो दी जाती है। इसके बाद पोषण और स्वास्थ्य, शिशु की प्रारंभिक देखभाल, सामान्य गणित, तर्क शक्ति और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपको बताया, 1000 वनलाइनर का सेट, नियम अधिनियम, तो ये सभी दिए जाते हैं आपको हमारे नोट जो पैकेज है उसके साथ। ये पैकेज बहुत ही शानदार है, इसका चार्ज है 1399 प्लस 100 कुरियर है। आपको मुझे एड्रेस भेजना है, आपका पेमेंट करना है, 6 से 7 वर्किंग डेज में ये आपके पास पहुँच जाएंगे। तो ये अगर आप लेना चाहते तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं। सबसे मेन बात इसके साथ मिलता है आपको एक WhatsApp का ग्रुप, उस WhatsApp के ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। हमारी सभी वीडियो, जो आपको थ्योरी क्लासेस रहेंगी, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्लास रहेंगी, उनकी वीडियो, उनकी PDF, बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को कराती हूँ, छोटे छोटे फॉर्म में ग्रुप में भेजती हूँ, वो डेली क्वेश्चन भेजती हूँ याद कराने के लिए, जिससे कि आप तुरंत देखें और एकदम से आपको याद हो जाए। तो ये सभी ग्रुप में आपको करवाया जाएगा। तो ग्रुप आपके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग का काम करेगा और ऑफलाइन आपको नोट्स दिए जाएंगे। इनका चार्ज केवल 1399 है, साथ में कुरियर रहेगा अलग से। तो अगर ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन अगर ले लो
तो क्या समस्या आ जाती है? तो गर्भावस्था के दौरान यदि अतिरिक्त प्रोटीन ले लो तो गर्भाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही है, और गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि होती है, ये भी सही है। अगर गर्भावस्था के दौरान जो भी आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जैसे कि एक महिला को 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए है और गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में एक डिटेल में भी दिया है और अलग से भी टेबल बना के दिया हुआ है किसको कितनी मात्रा है, बहुत सरल भाषा में नोट्स तैयार किए गए हैं। गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन किसका जोखिम हटाता है? मतलब अगर आपने फोलिक अम्ल युक्त अगर आपने खाना लिया है, अनुपूरक सेवन किया है, तो ये आपको किसका दोष हटा देगा? तो तंत्रिका नाल दोष हटा देता है, पहला ही इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर आप गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल वाला अनुपूरक लेते हैं, अनुपूरक मतलब अपने आहार के अतिरिक्त जो खाना होता है वो लेते हैं, तो क्या हो जाता है? तो वो तंत्रिका नाल दोष को दूर कर देता है। ये तंत्रिका जो होते हैं वो घेंगा, अगर बात करें तो घेंगा जो गोइटर है वो आयोडीन की कमी से होता है, मधुमेह, शरीर में जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके कारण मधुमेह हो जाता है। तो ये और अगर आप फोलिक अम्ल ले लेते हैं तो जो गर्भावस्था के दौरान तंत्रिका नाल दोष होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, वो नहीं होता है। अगला है, समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप, समुदायों में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप क्या होती है? नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर या अशोधित मृत्यु दर? तो बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप होती है अशोधित मृत्यु दर। क्या होती है स्वास्थ्य स्थिति की माप? स्वास्थ्य स्थिति की माप होती है अशोधित मृत्यु दर होती है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? गर्भावस्था के दौरान अगर स्तनों में परिवर्तन होता है तो कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो उसके लिए उत्तरदायी होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसके लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड ये मैं आपको बताई चुकी हूँ कि जो नोट्स मिलेंगे उसमें टोटल सात बुकलेट मिलेंगी, जिसमें से आपको जो पांच बुकलेट रहेंगी वो थ्योरी बुकलेट रहेंगी, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर रहेगा। एक आपको इस तरह का प्रैक्टिस सेट मिलेगा जैसा मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चन का मिलेगा, और एक वन लाइनर बुकलेट रहेगी जिसमें करंट अपडेटेड बजट से संबंधित, महिलाओं बच्चों से संबंधित प्रश्न, ये सभी योजनाओं से संबंधित, आंगनबाड़ी से संबंधित प्रश्न, ये सभी रहेंगे। तो अगर ये लेना चाहते हैं ये नोट्स आप, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी आपकी तैयारी जो है आप, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो आपको कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, और समय आपको बहुत कम देंगे। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उन लोग के लिए तो बेटर रहेगा, और जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि जब आएगा तब तैयारी करेंगे, तो वो आप लोगों के लिए घाटा हो सकता है, क्योंकि उतने समय में वो जो पिछला है वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होंगे। किशोर अवस्था में बालिकाओं के लिए आयरन की आवश्यकता कितनी होती है? तो किशोर अवस्थाओं में बालिकाओं के लिए आयरन की आवश्यकता होती है 28 से 30 मिलीग्राम। कितना होता है? 28 से 30 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है किशोर अवस्था में बालिकाओं के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना किशोर अवस्था में बालिकाओं के लिए कितना आयरन चाहिए है 28 से 30 मिलीग्राम। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु किसकी जांच की जाती है? मूत्र की, रक्त की, लार की। अगर गर्भावस्था चेक करना हो तो किसकी जांच की जाती है? तो मूत्र की जांच या यूरिन की जांच की जाती है। अगला है, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है 280 दिन। कितनी होती है? 280 दिन पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है। फ्रेंड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस प्रश्नों से आप लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ये जो मेरे 3000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट बनाया है, अगर आप इसको सिंगल भी लेना चाहते हैं तो 499 प्लस 50 कोरियर में आप इसको सिंगल भी अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो पूर्ण गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 280 दिन पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है। जन्म से लेकर एक वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? जन्म से लेकर एक वर्ष, जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर एक वर्ष तक की आयु क्या कहलाएगी? तो वो शैशवावस्था कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? शैशवावस्था कहलाएगी, जन्म से लेकर एक वर्ष तक की आयु।
अगला है गर्भाधारण, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसर पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम किस नियम पर आधारित है? जो नैदानिक अधिनियम है वो किस पर आधारित है? तो मादा भ्रूण गर्भधारण की रोकथाम इससे भी आधारित है, जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम इससे भी आधारित है, इस पर भी केंद्रित है, दंपति को व्यापक एवं उपयुक्त परामर्श इससे भी संबंधित। तो ये सभी आंसर इसके सही हो जाएंगे कि आपको जब गर्भधारण कर रहे हो उसके पहले एवं प्रसव पूर्व, जब आपका प्रसव होने वाला हो उसके पूर्व कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है और इस ये और ये किस पर केंद्रित है, तो ये इसके चारों ही आंसर सही हो जाएंगे। अगला है गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? डपकाई, एडिमा, एडिमा मतलब जो है पानी एकत्रित हो जाता है और सूजन हो जाती है, उल्टियां, दांतों में सड़न। तो देखो उपकाई आती है, ये उपकाई है इसका, तो उपकाई आती है गर्भावस्था में। दूसरा है एडिमा हो जाता है, उल्टियां आती हैं, लेकिन दांतों में सड़न गर्भावस्था के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है कि दांतों में सड़न आए, तो ये वाला जो आंसर है ये रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। अगला है यह अनुशंसा दी जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीने में नवजात शिशु को केवल डैश दिया जाए। क्या दिया जाए, क्या बोला जाता है कि जैसे ही प्रसव हो उसके 6 महीने बाद नवजात शिशु को दिया जाए? बोतल से दूध, दूध छुड़ाया जाए, स्तनपान करवाया जाए, या डिब्बे का दूध या आहार पिलाया जाए? तो नवजात शिशु को प्रसव के बाद बाहर का जो है दूध नहीं पिलाना चाहिए आरंभिक 6 महीनों में, ये अनुशंसा की जाती है। अगला है गर्भावस्था कालीन मधुमेह के कारण डैश वाले शिशु का जन्म हो जाता है। गर्भावस्था में अगर मधुमेह हो जाए तो क्या हो जाता है? जन्म के समय अधिक भार, जन्म के समय कम भार, जन्म के समय सामान्य भार। तो यदि मधुमेह हो जाता है तो वैसे वाले शिशु जो होते हैं उनका जन्म के समय से अधिक भार हो सकता है, जन्म के समय से अधिक भार वाले शिशु का जन्म हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट्स का रिव्यू देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।